महिला सभा की जिलाध्यक्ष पद का अधिकारी महिला सभा की जिलाध्यक्ष अमर किशोरी यादव जी की ओर से सभी महिलाओं की ओर से उनका इस सर्वशक्ति नेता इस अलौकिक की नगरी मोहरा में आज हम लोगों के बीच आए हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में हर जनपद में महिलाओं को जागृत करने वाली करीब अभिनंदन करता हूं। साथियों सबसे पहले संग्राम हमारे सामने है। मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों नहीं भूलना है और साइकिल वाली बटन दबाकर अपनी बात को समाप्त करती रहेंगे। चाहे महिलाएं की मार हो, चाहे हम लोगों के साथ स्पीडन की मार हो, हम लोगों ने 5 साल से बहुत झेला है, लेकिन अब समय धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज महोबा की जिला अध्यक्ष बड़ी बहन जी का भी स्वागत करती हूँ। बांदा जिले की महिला सभा की जिला अध्यक्ष आदरणीय उर्मिला वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनपद आलांचल की नगरी महोबा में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रांत। मैं तो एक तस्वीर मैंने कल बांदा में देखी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमारे अध्यक्ष संगठन और बहुत बड़ा जनसैलाब हम सबको सुनने के लिए वहाँ कुर्सियों पे उस बारिश में बैठा था। कुर्सियाँ खाली नहीं थी। बाकी प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो जांच करा ले। हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, लेकिन भारत में हर भारतवासी सुरक्षित ही है। हम सब भी चल रहे हैं और निरंतर जनता से मिल रहे हैं, लेकिन कुर्सियाँ हमारी सभा में कभी खाली नहीं रहती। कह रही है और मार्च में अब आचार संहिता लगने वाली है, तो 5 साल तक सरकार क्या जनता के ऊपर जब FIR लगा रही थी। बुंदेलखंड हमीरपुर का चुनाव हुआ था,
50,000 तक के बिल आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोगों के ऊपर FIR लिखा रहे थे, तो क्या वो मजाक था जनता की भावनाओं के साथ? देखिए ये सरकार झूठी सरकार है। हमने कहा है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, मतलब कि करीब 17,225 रुपये के बिल आपके माफ़ हो जाएंगे, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, सिंचाई और दवाई पहले ही नेताजी कहते थे कि वो मुफ्त, और हमने उसके लिए बहुत काम भी किया, चाहे अस्पताल बनवाए हों, CHCs, PHCs, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, डायल 100 जिसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुरस्कार मिला है, जिसका केवल नाम बदल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं योगी जी को सुनती नहीं हूँ, मैं जनता को सुनती हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनती हूँ। इस बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की जो कठिनाइयाँ हैं, उसमें कहाँ योगी जी को ये सब टिप्पणी करने का समय मिल जाता है। थोड़ा दफ्तर में बैठ के काम कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलें, अधिकारियों के चंगुल से बाहर निकलें। आपके सांसद कह रहे हैं कि आजम खान जैसे हजारों लोग जेल में बंद हैं, इससे तमाम लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्या? मैंने ये टिप्पणी सुनी नहीं। आजम खान साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और अगर किसी ने कुछ कहा है इससे लोग अगर आहत हैं, तो उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ज़रूर माफ़ी मांगती हूं उन लोगों से, क्योंकि हमारे लिए आजम खान साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्य हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनके तो इतने मुकदमे थे, मुकदमे कुछ हटवा रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके पदाधिकारी हैं और मुख्यमंत्री खुद अपना CBI केस उन्होंने अपनी कलम से बंद करवाया है, उसकी जरा सा एक पारदर्शी तरीके से लिस्ट बना दे, तब हम बताएं कि भ्रष्ट और मैं कहूँ दुष्ट लोग कहाँ हैं। और समाजवादी पार्टी बहुत ही कर्मठता से काम कर रही है, गुंडे वहाँ बैठे हैं, टोपी हमारी लाल है, रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस सरकार को हटाना है। लाल रंग से इतना डर लगता है, लाल रंग तो क्रांति का रंग है, लाल रंग हमारी टोपी का रंग है, लाल रंग बदलाव का है, और हमें सब रंगों से प्यार है, हमें किसी रंग से कोई परहेज नहीं। जनता ने हमें लक्ष्य दिया है 400 प्लस, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए, बीकरू कांड आप सबने देखा, सुबोध सिंह की हत्या हम सबने देखी, और खुशी दुबे जिसकी कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ था, राज्य सरकार उसकी बेल को अपोज कर रही है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि अब राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले जो टेनी के बेटे हैं उनकी जो बेल की एप्लीकेशन थी उस पर राज्य सरकार ने प्रतिरोध किया क्या नहीं किया? तो शर्म आनी चाहिए ऐसी दोहरे मापदंड वाले सरकार को, और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जितने मुकदमे लगे हैं उतने तो किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं लगे हैं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति जो दुराचार बढ़ रहे हैं इस सरकार में, इस सरकार की संवेदनहीनता, कोरोना काल में उनकी दुर्व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था और विकास का पहिया ठप हो चुका है उत्तर प्रदेश में, इसकी बात करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो रंग बदलने की, पत्थर बदलने की और झूठ बोलने की प्रवृत्ति है इसको बेनकाब करेगी। हमारी भूख तक का इन्होंने दाम लगा दिया, इतनी ये दुर्दांत सरकार है। बाकी कौन क्या टिप्पणी कर रहा है इससे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत महत्व लोगों को नहीं देते हैं। अभी तो शायद उन्हीं के कोई सहयोगी बड़े माफिया पूर्वांचल के क्रिकेट खेल रहे थे, तो दूरबीन नहीं थी शायद वहां पर देखने के लिए कि क्रिकेट कौन सा बाहुबली खेल रहा है। देखिए इनके पास एक कमल छाप दूरबीन है जिसमें माफिया वही दिखते हैं जो ये देखना चाहते हैं, गुंडे वही दिखते हैं वो देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर फेसबुक पर टिप्पणी कर देता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। अगर हमारे लोग, जनता, युवा नौकरी मांगते हैं, काला झंडा दिखा देते हैं तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये लोकतंत्र है और ये मुख्यमंत्री है कि इनसे अगर युवा एक नौकरी मांग दे तो इनको गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से की जगह अब उत्तर प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश इतिहास को लिखता है। और ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता गुंडागर्दी की है उनको कोई मतलब नहीं है उनकी टिप्पणी का, कहने को वो कुछ भी कह लें, वो तो मानक बदल देते हैं सड़कों का केवल ये दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा सड़कें बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मानक तय किए थे जिस तरीके की वो सड़क बननी थी, वो खुद उनकी साइट पर है कि किस तरह मानक बदल दिए, किस तरह
महीनों उस पूरी प्रोजेक्ट को उन्होंने रोक के रखा, क्यों जनता को फायदा नहीं मिला और साथ ही बलिया को भी काट दिया। तो ये सरकार किसी जनता के बारे में तो सोचती नहीं, केवल सत्ता और कुर्सी के बारे में सोचती है। समाजवादी पेंशन 3 गुना होगी और हर महिला के खाते में पहुंचेगी। लैपटॉप वितरण हम कर चुके हैं और बेहतरीन क्वालिटी का लैपटॉप वितरण कर चुके हैं, उसको बढ़ाएंगे, तकनीक से युवाओं को जोड़ेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य पे हमारी सांसद डिंपल यादव ने बहुत काम किया है, हौसला मिशन, पोषण मिशन, रानी लक्ष्मीबाई कोष जिसकी स्थापना और जिसमें पहला अनुदान हमारी सांसद ने दिया है, वो पीड़ित महिलाओं तक तुरंत मदद पहुँचाती थी आर्थिक जिससे उनको ज़रूरत होती है, और साथ ही साइकिल वितरण, स्वेटर जूता तो मिल नहीं रहा है, बल्कि इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है कि कई एक ही पैर के जूते खरीद दिए गए जो मिले भी नहीं लोगों को। तो ये सब दूर करना है, हम पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम करेंगे।